हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 7 और 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई। क्वेश्चन ये है कि भारत कौन सी मिसाइल प्रणाली, देखो जब मिसाइल को निर्यात करने की बात आती है, यानी हम मिसाइल दूसरे देश को बेचने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसको दो तरीके से दूसरे देशों को दिया जाता है। एक तो आप खुद मिसाइल को अपने वहाँ पे बनाओ और फिर होल मिसाइल इनको, मतलब पूरी की पूरी मिसाइल ही इनको दो। दूसरा ये होता है कि आप मिसाइल की टेक्नोलॉजी दूसरे देश के साथ शेयर कर दो, वो देश उस टेक्नोलॉजी के साथ उस मिसाइल को अपने वहाँ पे खुद बनाए। तो जिस मिसाइल की बात की जा रही है उसमें प्रणाली को ही निर्यात करने की बात की गई, यानी कि पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है उस मिसाइल की, उसी को हम निर्यात करेंगे। इसके लिए मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आकाश मिसाइल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आकाश मिसाइल के प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। आकाश मिसाइल ये इंडियन एयरफोर्स में 2014 में शामिल हुआ था, 2015 में ये इंडियन आर्मी में भी शामिल कर लिया गया था। भारत की यह पहली स्वदेशी पूर्ण रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली थी, यानी पूरी तरीके से ये इंडिजिनस है, हमारे भारत में ही इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। और इस मिसाइल सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है उसे एशिया और अफ्रीका के कुल 9 देशों को निर्यात करेगा भारत। भारत ने एक अपने लिए टारगेट सेट किया है, भारत 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने का लक्ष्य रखा है भारत ने अपने लिए। इसमें से 35,000 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को। अभी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है, मतलब इंपोर्ट करने का दूसरे देशों से सुरक्षा उपकरण सबसे ज़्यादा कौन सा देश खरीदता है, तो सऊदी अरब दूसरे देशों से सुरक्षा उपकरण खरीदने में सबसे, मतलब पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पे जो डिफेंस इंपोर्टर है, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है सुरक्षा उपकरण को दूसरे देशों से, वो हमारा भारतवर्ष है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक अगर भारत 1,75,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर करेगा तो इसमें काफ़ी गिरावट आएगी, यानी कि हम अपने द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपकरणों को अधिक से अधिक इस्तेमाल में लाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। देखो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल पहले तो ये जानते हैं, जब शुगर यानी कि चीनी को बनाया जाता है शुगर मिल में, तो वहाँ से एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, और फिर एथेनॉल को हम पेट्रोल में, एथेनॉल को हम डीजल में मिक्स कर सकते हैं, और फिर इसका यूज ईंधन की तरह यानी कि एनर्जी की तरह कर सकते हैं। जैसे डीजल में मिलाया गया तो फिर डीजल गाड़ियों में जाएगा, इंजन में जाएगा और फिर एनर्जी की तरह यूज़ होगा। पेट्रोल भी सेम व्हीकल और टू व्हीलर में एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, तो एथेनॉल को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। तो एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कुल 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या है कि कम इंटरेस्ट पर जो एथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरीज होंगी उनको सस्ता कर्ज मुहैया कराएगी सरकार, और कम इंटरेस्ट इनसे लिया जाएगा इन कर्ज पर। इससे देखो दो फायदे होंगे, पहला तो है, एक तो जब हम एथेनॉल को खुद अपने वहाँ पर उत्पादन करेंगे इसका, और फिर इसको हम पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे, तो जो हमारी खपत है कच्चे तेल की, बाहर से हम जो कच्चा तेल मंगाते हैं और उससे पेट्रोल और फिर डीजल बनाते हैं यहाँ पे, उसमें क्या होगी, कमी आएगी, यानी हम बाहर से कम कच्चे तेल को बनाएंगे क्योंकि हम एथेनॉल को अपने वहाँ
पे मिक्स करेंगे। दूसरा कि एथेनॉल किससे निकलता है, मैंने आपको बताया कि ये चीनी मिल जब सुगर बनाया जाता है, जब चीनी को बनाते हैं तो उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो फिर क्या होगा कि एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए चीनी का भी अधिक उत्पादन करेंगी शुगर मिल जो हैं, फिर हम चीनी को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो डबल फायदा होगा। इसी को देखते हुए सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 4573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट का एक और टारगेट है, लक्ष्य रखा है सरकार ने कि 2030 तक कुल 30% इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हों, मतलब जितने वाहन सड़कों पर हों 2030 तक उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन हों। तो कुल मिला के सरकार का जो लक्ष्य है वो दूसरे देशों से जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं उसमें उसके आयात में कमी लाने से संबंधित है। ये सारे 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन रोड पर हो ऐसा लक्ष्य है सरकार का। ये भी साथ ही साथ एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, ये सारे जो काम है ये कच्चे तेल के आयात में कमी से ही संबंधित है, जिससे हम कच्चे तेल कम से कम बाहर के देशों से मंगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रिश्ता पोर्टल और ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है रिश्ता पोर्टल का कि भारतीय समुदाय यानी जो इंडियन लोग हैं अलग अलग देशों में काम कार्यरत है किसी भी कारण से, तो उनको कनेक्ट रखना, आपस में कनेक्ट रखना, साथ ही साथ उनको इंडिया में भी कनेक्ट रखना, यही उद्देश्य है वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल का। इसे शुरुआत किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। एक विदेश मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत जो भारतीय हैं उनमें से 3.12 करोड़ भारतीय ये विदेशों में कार्य कर रहे हैं। तो इन 3.12 करोड़ भारतीयों को रिश्ता पोर्टल और ऐप की मदद से आपस में कनेक्ट रखा जाएगा, साथ ही साथ इन्हें इंडिया से भी कनेक्ट रखा जाएगा। ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आफसा का फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। देखो आसफा जो है, आसफा का फुल फॉर्म मैंने बताया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये 1958 में इस एक्ट को पारित किया गया था। इसके तहत ये होम अफेयर के अधीन होता है, मतलब अगर गृह मंत्रालय किसी राज्य पर चाहे तो आसफा को लागू कर सकता है, गृह मंत्रालय चाहे तो हटा सकता है। आसफा कब लागू किया जाता है, आसफा के लिए जो एक वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है डिस्टर्ब एरिया, मतलब उस एरिया पे जहाँ पे धर्म के आधार पर कोई विवाद हो, लैंग्वेज को लेकर कोई विवाद हो या फिर रेस इथेनिक रिलीजन को लेकर कोई विवाद हो, इन सारे मामलों को लेकर अगर कोई विवाद है तो गृह मंत्रालय वहाँ पर आसफा कानून को लागू कर सकता है। क्या होता है इस कानून में, इस कानून में एक तो एकत्रित होने पे लोगों के बैन हो जाता है, मतलब गैदरिंग को पूर्णतः बैन कर दिया जाता है, बिना अरेस्ट वारंट के आर्म फोर्स जो होती है वो किसी को भी अरेस्ट करने की पावर उसके पास आ जाती है, साथ ही साथ वो पूछताछ के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी बुला सकते हैं और सर्च वारंट बिना जारी किए किसी के घर को सर्च कर किया जा सकता है, मतलब उनके घरों में सर्च वारंट नहीं जारी किया गया और जाके जो आर्म फोर्स है वो उनके घरों में सर्च कर सकती है। तो ये सारे स्पेशल पावर मिल जाते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत और इसे नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और 28 अगस्त को पहले 6 महीने के लिए लागू किया गया था, फिर अभी 6 महीने के लिए यहाँ पे नागालैंड में इसे बढ़ा दिया है हमारे गृह मंत्रालय ने। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं उसमें कभी ना कभी आसफा कानून लगाया जा चुका है, नॉर्थ ईस्ट के कुल 7 स्टेट हैं हमारे और वहाँ पे सभी में कभी ना कभी आसफा कानून लगाया जा चुका है, अभी नागालैंड में इसे लगाया गया है और 6 महीने के लिए इसे फिर से नागालैंड में बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। देखो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है झोंग शान शान ने, झोंग शान शान ये चाइना के हैं और ये इन्हें पानी का व्यापारी बोलते हैं चाइना में, यानी ये वाटर बिजनेसमैन है चाइना के।
साथ ही साथ इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन में का भी बिजनेस वहाँ पे शुरू किया है। तो इन्होंने ही झोंग शानशान, इन्होंने हमारे देश के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं। अभी मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर आ गए हैं। और जेफ बेसोस जो अमेजोन के सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, फाउंडर भी अमेजोन के जेफ बेसोस हैं, वो भी अभी पहले स्थान पर नहीं रहे। उनके स्थान पे एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, ये पहले स्थान पे आ गए हैं। यानी कि देखो, एशिया का पहला स्थान चेंज हुआ, मुकेश अंबानी पहले थे, अब झोंग शानशान हो गए, और पूरे वर्ल्ड में जेफ बेसोस पहले स्थान पे थे अमीरों की सूची में, अब एलन मस्क हो गए हैं अमीरों की सूची में। एलन मस्क ये टेस्ला के सीईओ हैं। टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार और सोलर कार बनाती है, जहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल में ही इसरो के चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ा दिया है? के सिवन के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया गया है कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसरो का हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स की आधारशिला रखी? गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 दिसंबर 2020 को, और ये आधारशिला उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी, और 2022 तक इस एम्स के पूरा हो जाने का डेट भी बताया अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जब वो संबोधित कर रहे थे तो बताया उन्होंने कि 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। इस समय हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में 15 एम्स हैं जो कि ऑपरेशनल एम्स हैं, मतलब वहाँ पे काम हो रहा है, और 8 एम्स अनाउंस किए गए हैं जो 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ 6 मोर एम्स का प्रपोजल भी है, मतलब 6 और एम्स का प्रपोजल है जिन्हें कभी भी अनाउंस करा जा सकता है। 15 ऑपरेशनल एम्स हैं, 8 एम्स हैं जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये देखो, 8ों 2025 तक नहीं होंगे, इसमें से कुछ 2024, कुछ 2023, इस तरीके से 8 और एम्स इंडिया को मिल जाएंगे 2025 तक, और 6 का प्रपोजल है जिन्हें कभी भी अनाउंस किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। एम्स दिल्ली भारत का पहला एम्स था जिसे 1956 में स्थापित करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई? न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीते लगातार, और फिर उसने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का। और टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे है न्यूजीलैंड, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे पे है हमारा प्यारा भारत। जबकि वनडे में पहले स्थान पे है इंग्लैंड, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे है न्यूजीलैंड, और चौथे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, देखो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर है, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, यहाँ पे फ्रंट कॉरिडोर नहीं है, फ्राइट कॉरिडोर के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? देखो क्या है ये फ्राइट कॉरिडोर, फ्राइट कॉरिडोर मतलब कि देखो, जो इंडिया में 2 तरीके की मेनली ट्रेनें हैं, एक तो आपको जो पैसेंजर ले जाने का काम करती हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी है, कुछ हाई स्पीड ट्रेनें हैं, कुछ स्लो स्पीड ट्रेनें हैं, साथ ही साथ दूसरी ट्रेन जो है वो है गुड्स ट्रेन, यानी कि मालगाड़ियाँ जो कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ले जाने का काम करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अभी तक क्या है इंडिया में कि सेम रेलवे ट्रैक को यूज़ किया जाता है गुड्स ट्रेन के लिए भी और पैसेंजर ट्रेन के लिए भी, लेकिन आने वाले समय में गुड्स ट्रेन के लिए हम अलग से रेलवे ट्रैक को बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। भारत में 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक तो
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो कि पंजाब के लुधियाना से लेकर वेस्ट बंगाल के दंकुनी तक है, और दूसरा जो फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो कि उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा मुंबई से। इस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेनें ही चलेंगी, यानी कि ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, कहाँ पे उद्घाटन किया, मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, मतलब कहाँ से इसको ऑपरेट किया जाएगा उसके लिए एक ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। देखो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है ये दंकुनी वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रहा है लुधियाना पंजाब से, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि जुलाई 2020 में रेलवे मंत्रालय द्वारा एक डेटा दिया गया था कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का काम लगभग 56% कंप्लीट हो चुका है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का काम लगभग 60% तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की ही बात की गई जिसका 60% काम कंप्लीट हो चुका है लेटेस्ट डेटा जो इंडियन रेलवे का मिला था उसके अनुसार। और इसका ऑपरेशनल सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन राज्यों के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है, ये पंजाब से महाराष्ट्र के, सॉरी पंजाब से नहीं, ये चल रही है महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल के बीच। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि चलेगी महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल के बीच। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक स्थान है संगोल, संगोल को कनेक्ट करेगी ये वेस्ट बंगाल के शालीमार से। देखो क्या है ये किसान रेल, किसान रेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले किसान रेल ये चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच, इसका संचालन किया गया था और ये 2020 में ही चलाई गई थी। अभी 20 टोटल 100 किसान रेल चलाई जा रही है। क्या है किसान रेल, देखो किसान रेल का मेन पर्पस क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जैसे फल सब्जियां दूध जो कि खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब होते हैं, उनको इन ट्रेनों के माध्यम से अलग अलग स्टेट में पहुंचाया जाए। इन ट्रेनों में कैसी, फिर इन ट्रेनों में टेम्परेचर को मेंटेन करने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाएगी प्रोडक्ट के अनुसार। देखो टमाटर जल्दी खराब होता है, आपका गेहूं भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है लेकिन ये बहुत देर में खराब होता है, ये आप सालों साल इसको रख सकते हो लेकिन टमाटर को आप सालों साल नहीं रख सकते, आलू को सालों साल नहीं रख सकते। तो कुल मिला के फल सब्जी और दूध को ये किसान रेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने का कार्य करती हैं। और अभी 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि चलाई जा रही है महाराष्ट्र के संगोल से वेस्ट बंगाल के शालीमार के बीच। ये किसान रेल सेम वही ट्रैक यूज़ करेगी जो पैसेंजर, मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, अभी तो मालगाड़ी भी सेम ही ट्रैक यूज़ कर रही है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आने के बाद मालगाड़ी अलग ट्रैक पे चलेगी और उसी ट्रैक पे ही इस किसान रेल को भी चलाया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? देखो सबसे पहले आंसर जानते हैं फिर जानते हैं INS खुखरी क्या है। INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है, इसका उद्घाटन किया गया दमन एंड दीव में। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। क्या है ये INS खुखरी? देखो INS खुखरी ये जब हमारा भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो रहा था 1971 में, ये वॉर क्यों था? देखो पहले पाकिस्तान दो था, एक ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, एक वेस्टर्न पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान है। तो पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पाकिस्तान थे लेकिन भारत ने, और लेकिन क्या था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान वाले थे वो ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ
मतलब उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि दोनों के रहन-सहन में काफ़ी फर्क था। ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो वहाँ पे जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी वो बंगला बोलती थी, जबकि जो वेस्टर्न पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान है वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो उर्दू बोलते थे, तो वो भेदभाव करते थे ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान के बीच। तो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह किया और भारत को उनका साथ मिला। तब क्या हुआ कि बांग्लादेश के रूप में ईस्टर्न पाकिस्तान का उदय हुआ और बांग्लादेश नया देश बन गया। अब बांग्लादेश बनाने में भारत ने बहुत मदद की थी ईस्टर्न पाकिस्तान की, और 1971 की लड़ाई भारत ने सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए ही पाकिस्तान से लड़ी थी, उसमें भारत को विजय मिली थी। लेकिन INS खुखरी जो है इसके कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला थे उस समय, और पाकिस्तान की पनडुब्बी का नाम था पाकिस्तान की पनडुब्बी का नाम था हंगोर पनडुब्बी। हंगोर पनडुब्बी पाकिस्तान को दी थी, मिला था फ्रांस के द्वारा, और भारत की INS खुखरी और INS कृपाण दो पनडुब्बियों को आदेश मिला कि आप जाके INS हंगोर को नष्ट करो। अब INS हंगोर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की थी उस समय के अनुसार। तो INS खुखरी के जो कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला थे उन्होंने INS हंगोर पे हमला किया, लेकिन वो हमला मिस हो गया। लेकिन INS हंगोर ने INS खुखरी पर हमला किया और INS खुखरी उस समय नष्ट हो गया और ये पनडुब्बी डूब गई। और महेंद्रनाथ मुल्ला इसमें जीवित बचे थे, लेकिन उन्होंने INS खुखरी के साथ ही जल समाधि ले ली, और वो इतना ज़्यादा आहत हुए अपनी पनडुब्बी के हार से, INS खुखरी की हार से, कि उन्होंने जल समाधि ले ली और वहीं पे वो मतलब वो बाहर निकले ही नहीं, जबकि वो जिंदा बचे थे इसमें। लेकिन वो उन्होंने निर्णय लिया कि वो INS खुखरी के साथ ही जल के अंदर समाधि ले लेंगे। फिर बाद में INS खुखरी को बाहर निकाला गया और उसी का स्मारक बनाया गया दमन और दीव में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अभी क्या है कि दादर नागर हवेली दमन और दीव ये पूरा एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसकी राजधानी क्या है दमन है। और 1971 में इस इंडिया और पाकिस्तान वार के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान ये बांग्लादेश के रूप में इसका उदय हुआ था और तभी से बांग्लादेश बन गया। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। INS खुखरी का जो है स्मारक बनाया गया दमन और दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के साथ दिन के दौरान ऊर्जा की 100% जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% जरूरतों को सौर ऊर्जा के साथ दिन में पूरा करने वाला राज्य बन गया है दीव। और एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? वो भी सिक्किम है। भारत का पहला टोटल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य कौन है? वो भी सिक्किम है। तो आपको तीन क्वेश्चन यहाँ याद रखने हैं। एक तो दिन के समय 100% ऊर्जा की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला राज्य दीव। सिक्किम भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, साथ ही साथ सिक्किम ही भारत का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट भी है। और दीव जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का। देखो पहले दादर नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थी और दमन और दीव अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक में मर्ज कर दिया गया, एक ही में मिला दिया गया। और दादर नागर हवेली दमन दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो हाई कोर्ट है ये बॉम्बे हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2020 तक भारत में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं? देखो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेटेड बीच होते हैं इन्हें 1 साल के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? देखो जो बीच सेफेस्ट है मतलब कि जो टूरिस्टों के लिए सेफ है, वहाँ पे कोई मतलब आतंकी हमला नहीं हो रहा है, कोई नक्सलाइट हमला नहीं कर रहे हैं, वो सेफ हैं। साथ ही साथ क्लीनेस्ट बीच है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बीच है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उस बीच का,
तो इन सबको देखते हुए बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। कौन देता है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक जूरी बैठती है, इंटरनेशनल जूरी होती है, मतलब इसमें कई सारे संगठनों के मेंबर होते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के मेंबर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, साथ ही साथ फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये स्वीडन का संस्था है, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये स्वीडन की संस्था है, और इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कितने संस्थान हो गए देखो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पहली संस्थान, दूसरी संस्थान वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी संस्थान इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और चौथी संस्थान है फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो कि स्वीडन में है। ये इन चारों संस्थान के मेंबर बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि किस बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच बोला जा सकता है। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच के कितने मैंने आपको पिलर बताए कि मतलब क्या क्या कंसीडर किया जाता है कि इसको सर्टिफिकेट देना है, वो सेफेस्ट प्लेस होना चाहिए टूरिस्ट के लिए, साथ ही साथ क्लीनेस्ट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, और वहाँ पे पालतू जानवर ना पहुँच सकें, मतलब देखो जानवर अगर पहुँचेगा तो वो फिर वहाँ पे गंदगी भी करेगा, जिससे कि वो क्लीनेस्ट बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पालतू जानवर ना पहुँच सके ये भी एक क्राइटेरिया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने का। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसी भी बीच को सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में कुल 8 बीच को 2020 में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन कौन से ये बीच हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इन्हें नोट डाउन करोगे। देखो राधानगर बीच ये अंडमान निकोबार का है, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गोल्डन बीच उड़ीसा को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। कप्पद बीच ये केरला का है, इसे भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। साथ कर्नाटका का देखो 2 बीच है, एक तो पादुबिदरी बीच और कासरकोड बीच, ये दोनों कर्नाटका के हैं, इन्हें भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। शिवराजपुर बीच ये गुजरात का है, इसे भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और घोघाला बीच ये दीव का है, इसे भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8 भारत के तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भुगतान ऐप पर यूपीआई के माध्यम से फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? यूपीआई के माध्यम से फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक बना है आईसीआईसीआई बैंक, और ये गूगल पे की मदद से इसको जारी करेगा फास्टैग को, और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके सीईओ संदीप बक्सी हैं। और 15 जनवरी, पहले देखो 31 दिसंबर थी डेडलाइन सभी गाड़ियों पे फास्टैग लगाने की पूरे इंडिया में, अभी उसको 15 दिन के लिए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, वो 15 जनवरी हो चुका है। फिर देखते हैं कि 15 जनवरी के बाद भी मे बी गवर्नमेंट इसको कुछ और बढ़ा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने 1 अप्रैल 2021 से प्रत्येक सामान्य बीमाकर्ता और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाली मानक नीतियों के लिए दिशा निर्देश का एक एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया है। ये पूछ रहा है कि मतलब किसके कौन सी नीति के लिए नया एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया गया है IRDAI के द्वारा। IRDAI के द्वारा यात्रा बीमा के लिए नया एक्सपोजर ड्राफ्ट को जारी किया गया है। देखो अभी कोई अगर पहले से भी यात्रा बीमा होती थी, मतलब अगर आप जर्नी करने जा रहे हो तो अपने आपको इंश्योर्ड करके जा सकते हो, आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा कंपनियां आपको, अगर आप इंश्योर्ड हो प्रीमियम को जमा किए हो तो उसके लिए आपको पैसे देती है, साथ ही साथ अगर आपकी डेथ होती है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके पैसे दिए जाते हैं, जितने का इंश्योरेंस आपका हुआ होता है यात्रा बीमा के तहत, यानी कि जर्नी बीमा के तहत आपका जितना इंश्योरेंस हुआ होता है वो बीमा प्रदान करने वाली कंपनियां आपके फैमिली मेंबर को देती हैं, अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है किसी के भी साथ, बीमा कराने वाले व्यक्ति के साथ। तो इसमें नया जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उसके अनुसार एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि यात्रा से इतने समय पहले तक ही बीमा अब अलाउ है यात्रा बीमा,
साथ ही साथ अब चिकित्सा जांच भी करानी होगी व्यक्ति को इस बीमा को कराने के लिए। और अगर क्या फैसिलिटी बढ़ाई ये गई कि अगर आपको देखो अवधि पूरी हो गई, मतलब आपने 15 दिनों के लिए अपना यात्रा बीमा कराया कि हम 15 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, अब हमारा 15 दिनों के लिए बीमा कर दिया जाए अमेरिका जाने तक का और वापस आने तक का। लेकिन क्या है कि आपकी जो जर्नी थी अमेरिका की वो एक्सटेंड कर गई फिर से 30 दिनों की, तो फिर आप नेक्स्ट प्रीमियम दे के अपना यात्रा बीमा तुरंत बढ़ा सकते हो। फिर से आपको पुनः चिकित्सा जांच और फिर जो टाइम ड्यूरेशन है इतने समय पहले ही यात्रा बीमा करा लेना, उन सब की फॉर्मेलिटी नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आप 15 दिनों के लिए गए और आप का काम वहाँ पे 10 दिनों में ही हो गया और आप रिटर्न हो गए इंडिया 11वें दिन या फिर 12वें दिन, तो 3 दिन आपका बचता है। फिर क्या है, 3 दिन का जो आपका प्रीमियम होगा ना वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके का नया एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया गया है IRDAI के द्वारा और ये लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्यसभा सांसद का नाम बताइए जिन्होंने संयुक्त रूप से प्रोफेसर अमित आहूजा के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 को जीता है। देखो प्रोफेसर अमित आहूजा के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज को जीता है जयराम नरेश ने। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, जयराम नरेश। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं और ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं और ये कर्नाटका से राज्यसभा के मेंबर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। एक बुक लिखी अमित आहूजा ने, बुक का नाम है मोबिलाइज द मार्जिनलाइज्ड इथेनिक पार्टीज विथाउट इथेनिक मूवमेंट। इस बुक में जयराम नरेश ने सह लेखक की भूमिका अदा की है, यानी कि देखो मेन लेखक तो इसके हैं प्रोफेसर अमित आहूजा लेकिन जयराम नरेश ने इसमें सह लेखक की भूमिका अदा की है। बुक का क्या नाम है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक का नाम है मोबिलाइज द मार्जिनलाइज्ड इथेनिक पार्टीज विथाउट इथेनिक मूवमेंट, यानी कि जातीय आंदोलन के बिना ही भारत में जातीय पार्टियां बन गई हैं। इस तरीके से इस बुक का नाम है कि कोई जातीय आंदोलन भारत में नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी भारत की पार्टियां जो हैं वो जातीय पार्टियां हैं। कुछ इसी तरीके की ये बुक है जिसे अमित आहूजा ने लिखा है और इसके सह लेखक हैं जयराम नरेश ने। इस बुक को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की साझेदारी में जेंडर पार्क महिलाओं के लिए फरवरी 2021 में लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन करा जाएगा। क्वेश्चन है जेंडर पार्क कहाँ पे स्थित है, जेंडर पार्क ये स्थित है केरला में और पहला संस्करण जो हुआ था जेंडर पार्क में वो हुआ था 2015 में और अभी दूसरा संस्करण होगा फरवरी 2021 में। ये 3 दिनों का होगा। केरला में कहाँ पे स्थित है जेंडर पार्क, केरला में स्थित है कोझीकोड में। और क्या होगी थीम इस बार के लिंग समानता के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, थीम होगी जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस द मीडिएटिंग रोल ऑफ द एनवायरनमेंट। मैं थीम को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस, यानी कि जेंडर को समानता मिले यानी महिलाओं और पुरुषों को बराबर रूप से समानता मिले और सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप में यानी कि बिजनेस में भी इनको बराबर रूप से समानता मिले और सोशल बिजनेस में भी इनको बराबर रूप से समानता मिले। कुछ इसी तरीके की थीम होगी। मैं थीम को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस द मीडिएटिंग रोल ऑफ द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह द्वारा जारी एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक लॉन्च किया गया। ये पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक को लिखा है स्तुति शर्मा ने। स्तुति शर्मा ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रोफेसर हैं और जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है MSc PhD स्टूडेंट के लिए, मतलब ये पूरी तरीके से आप समझ लो स्टडी करने वाली बुक है, जो पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं उनके लिए है। एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच,
जो एमएससी कर रहे हैं स्टूडेंट जेनेटिक्स से या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट जेनेटिक्स से, उनके लिए इस बुक को लिखा गया है। और ये बुक पूरी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग पे, यानी कि जो जेनेटिक्स का यूज प्लांट में है, उससे संबंधित ये किताब है। और इसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और बुक को लिखा है स्तुति शर्मा ने। मैंने बताया स्तुति शर्मा ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।